हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। चैप्टर 3 है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग को हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में 8 पारियों में एक क्रिकेटर ने ये सारे रन्स लिए हैं। हमें इसका मीन स्कोर फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है। यानी कि देखिए, पहले इनिंग में वो 58 लाया, दूसरे इनिंग में उसने 76 रन्स बनाए, तीसरे इनिंग्स में उसने 40 रन्स बनाए। इस तरीके से ये उसके रन्स हैं इनिंग्स में, तो हमें इसका मीन फाइंड करना है, मीन स्कोर फाइंड करना है, मीन स्कोर। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस observations upon number of observations mean score is equal to sum of all observations upon divided by number of observations। तो sum यानी ये सारे जो runs हैं इसके, observations क्या है, ये जो इसके runs हैं, जो हमारा data है, तो ये सारे runs को हमें total करना है। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 और अपॉन लिखेंगे, और अपॉन के नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने हैं? 8 इनिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इनिंग्स है टोटल। तो 8 को लिखेंगे नीचे, ये 8 इनिंग्स का स्कोर है, तो अपॉन के नीचे लिखेंगे 8। और इसने लिखा भी है कि इसके जो स्कोर्स हैं वो 8 इनिंग्स के स्कोर हैं, तो नंबर कितना आएगा? नंबर 8 ही आएगा, 8 इनिंग्स के ये स्कोर्स हैं। जब आप इन सारे नंबर्स को टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 400। सो 400 को लिखेंगे अपॉन के ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे 8 को लिखेंगे। अब डिवाइड करेंगे 8 से 40 को। सबसे पहले 40 को लेंगे, 8 5 जा होता है 40, पीछे एक जीरो बच जाएगा, उस जीरो को भी लिख लेंगे। 50 रन्स ये इसका मीन स्कोर है। यानी कि अगर आप, ये तो इसके 8 पारियों के रन्स हैं 8 इनिंग्स के, अगर आप इसका मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हर एक इनिंग में इस क्रिकेटर ने 50 रन्स लिए हैं। तो हमारा मीन क्या आया? मीन या माध्य हमने निकाला है 50 runs।